परीक्षा खत्म होने के बाद घूमने के लिए गाड़ी नहीं है, इसलिए नाबालिग लड़कों ने मोटरसाइकिल चुराई। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यह घटना बल्लारपुर में सामने आई। 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो नाबालिग लड़कों ने अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद घूमने के लिए गाड़ी की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हैरान कर देने वाली घटना बल्लारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सामने आई। दो नाबालिग लड़कों ने शहर के दादा भाई नौरोजी पार्क के एक कॉलोनी से रात के 2 बजे एक मोटरसाइकिल चुराई। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हटाकर उस पर सिद्धू मूसेवाला का फोटो लगाया और गाड़ी की टंकी पर अपना नाम भी लिखा। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बकायदा एक बटन भी अलग से लगाई। घटना 9 मार्च की रात करीब 2 बजे की है। चोरी की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू करते हुए पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों नाबालिग गाड़ी को धक्का मारते ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना रात की होने से सीसीटीवी में चोरों के चेहरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके पांव की सफेद चप्पल और उनके कदकाठी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और चोरी का मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल बरामद कर ली। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी बल्लारपुर पुलिस थाने के थानेदार उमेश पाटिल ने दी। तारीख 9/3/2023 को रात को 2 बजे नाला भाई नवराजी वार्ड से एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी, उसमें रिपोर्ट आया। उसमें ऑफेंस रजिस्टर किया। ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद मोटरसाइकिल जहाँ से गई वहाँ से लेके तो लास्ट तक फुटेज के जरिए उसको डिटेक्ट किया। उसमें 2 बच्चे मोटरसाइकिल चुराया और दूसरी मोटरसाइकिल चुराने का भी प्रयास किया। उन्होंने मोटरसाइकिल चुराया, एक 10वीं में है, एक 12वीं में है। चुराने के बाद उसके ऊपर अपने खुद के नाम डाले और वो मोटरसाइकिल काय के लिए चुराई उन्होंने, तो उनको एग्ज़ाम होने के बाद उनको घूमने के लिए वो मोटरसाइकिल उनको होना था करके उन्होंने दोनों मोटरसाइकिल एक चुराई थी और दूसरे का प्रयास किया था। चोरी का मामला दर्ज हो चुका है। वो अंडर 18 होने के बाद अंडर होने से वजह से उनके माता पिता ने उसका हवाला कर दिया। बाद में उसकी कोर्ट में उसका मामला दर्ज हो जाएगा।